आसिफ, क्या हुआ? नहीं नजमा, नजमा इतनी रात गए, कौन है? देखो और से सुनो, जानते हो तकलीफ हमेशा रात में ही होती है। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी पड़ोसी ने सलाम किया हो, जैसे अभी अभी एक सच्ची संवरी दुल्हन को घर आए हो। गुलाम से बढ़कर और कुछ नहीं। आसिफ पानी, मुझ तक पहुंचने से पहले ही बचपन और जवानी दोनों खर्च कर बैठे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसे एक बात कहूँ, मजाक मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो फिर नहीं अपने पास रख लो और हाँ मुझे सुना दो। मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी रकम दे रहा हूँ आसिफ साहब, आगे आपका नसीब। तुम्हारी कद्दू की बेल जैसी बढ़ती बहन की शादी हो जाती। कभी अपनी किस्मत की चादर भी गरीबी के पेबंद बिना होगी। झगड़ा, कम से कम उसे वहाँ तो बटोर लेते कि मैं अपने उसूलों को गिरवी नहीं रख सकता। उनसे बहुत जरूरी काम था मुझे। तुम यहाँ भी चले? क्या करें आसिफ साहब, सोच लीजिए आसिफ साहब। वो कल हैदराबाद आ रहे हैं। क्या, कैसे होगा नजमा?